हम अपन ये जन्मदिन पर आपसे सिर्फ ई मांगत है कि हमरा जल्द से जल्द हमार पाप के बारे में पता चल जाए, हमरा के आशीर्वाद दी कि जौन मंजिल के तलाश में हम एहिजा पटना आइल बानी वो जल्द पूरा होके, हमरा के इहो आशीर्वाद दी भगवान कि हमरे दिल में अपन बाप के प्रति जो नफरत बा वो कम ना होके बल्कि बढ़त जाए। भगवान हमरा के ई भी आशीर्वाद दी कि जब हम अपन बाप से मिली तो ओकरा के ओकर गलती के एहसास करा सके, ओकरा के बता सके कि जौन लड़का के पैदा करके कूड़ा के तरह फेंक दहलस वो लड़का ओकरा से कितना घृणा करेला। वो हमरा से माफी मांगे, रोए, गिड़गिड़ाए, अपन सफाई दे, पर हमार दिल ना पसीजे, पत्थर के हो जाए भगवान, पत्थर के। यो आशीर्वाद दी हमरा के। क्यों काजल, इस संडे कौन सी फिल्म दिखा रहे हैं? कोई नहीं। देखो यार, रूटीन में व्यवधान मत डाला करो यार। अरे सुनिए सब लोग सुनिए, सम्राट जी पधार चुके हैं। काजल सम्राट इधर आओ। कहाँ? अरे आओ तो। शालू जल्दी आओ, शालू फटाफट तैयारियां करो। पर आखिर ये हो क्या रहा है? पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र रखो। अरे पर थोड़ा सब्र रखो। ये क्या? सम्राट मुझे पता है आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसीलिए मैंने एक केक मंगवाया है। हम सब तुम्हारा जन्मदिन साथ में मनाएंगे और केक भी हम सब मिलकर साथ खाएंगे। बड़ा टेस्टी है यार। नहीं, क्या जरूरत थी ये सब करने की? मुझे अपना जन्मदिन नहीं मनाना है। ये क्या कह रहे हो सम्राट? देखो अगर तुम संकोच कर रहे हो तो मत करो, हम ऑफिस में सबका जन्मदिन मनाते हैं। तुम नए हो तो क्या हुआ, हमारे सहकर्मी तो हो ही गए हो। हाँ हाँ, अभी पिछले ही महीने हम लोगों ने काजल का 36वां जन्मदिन मनाया था। वाह क्या केक लेकर के आई थी काजल, खा के एकदम मजा आ गया। झूठे, मेरा 36वां जन्मदिन कब मनाया तुमने? अभी तो मैं सिर्फ 22 साल की हुई हूँ। ओहो, नो लड़ाई झगड़ा। देखो आज सम्राट का बर्थडे है, आज सिर्फ उसी की बात होगी। बिल्कुल सम्राट, चलो केक काटो और सबको खिलाओ। खाली केक से काम नहीं चलने वाला, हमें तो पार्टी चाहिए। पार्टी? वाह शालू, वो जो गांधी मैदान के पास नया होटल खुला है ना, मैंने कहा ना मुझे अपना जन्मदिन नहीं मनाना है। प्लीज आप लोग जबरदस्ती मत करें। क्या यार, पार्टी देने से भाग रहे हो? कोई बात नहीं, पार्टी कैंसल, पर केक तो काटो। शालू कितने अरमान से ये केक लेकर आई है तुम्हारे लिए।
क्यों जिद कर रहे हो सम्राट? देखो ये तो तुम्हारे लिए खुशी का दिन है, हम सब कितने खुश हैं तुम्हारे लिए, सबका दिल टूट जाएगा। क्या तुम नहीं चाहते कि हम सब तुम्हारी खुशी में शामिल हों? मान जाओ सम्राट, आओ केक काटो। मैंने कहा ना मुझे अपना जन्मदिन नहीं मनाना है, और फिर तुम उस पर दबाव क्यों डाल रही हो? तुम होती कौन हो मेरा जन्मदिन मनाने वाली? मेरा जन्मदिन मनाने वाली सम्राट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम कितने प्यार से उसके लिए केक लेकर के आई थी, तुम तो उसकी खुशी बांटना चाहती थी ना, पर वो कितना गलत किया उसने। उसे इस तरह से किसी की फीलिंग्स को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए था। जन्मदिन पर और एक फोन ही नहीं उठावा था मन, जन्मदिन के बधाई भी नहीं की दे पावत उनका के। हमरा पहले ही डर रहे कि पटना जाकर उनका ध्यान तो हमरा ऊपर से ना हट जा, वह होत बा नहीं फोन करा था मन, नहीं फोन उठावा था मन। हे भगवान, कहीं अपन बाबूजी के खोजे के चक्कर में हमरा से बहुत दूर ना चल जाए वो। जनवा
बेटी तार खाना। अरे माँ जी आप काहे तकलीफ करनी, हम बाहर आके खा लेते। अरे इमे तकलीफ की का बात बा, मेहमान तो एकदम भगवान जैसन होता है और भगवान की सेवा में कैसन तकलीफ। चल खाना खा ले, एकदम गरम गरम बा, तोहरे खातिर अभी बना के लावत है। माँ जी अगर आप हमार इतना सेवा करब तब तो हमारे यहाँ से जाए के मन ही ना करी। अरे तो तहरा के जाए के कहत बा, जितना दिन मन करे उतना दिन एजा रहा, हमार सेवा में कोनो कमी नहीं होगी। चला खाना खा ले। बेटी तू जौनो तरीका से वो मुस्तंडा प्रभाकर के एक मिनट में भगा देलू ना, हम समझ गए ले कि तू बहुते ऊंचा पहुंच वाला लड़की हा। हमार पति परेशान हवल कि हम कौनो गलत लड़की के तो घर में ना रख ले ली, वो हमरा पे कब्बो विश्वास ना करेला। बेटी अभी तो बहुत दिन रहबू ना। हाँ माँ जी हम यही जा गाँव में एगो बहुत बड़ जमीन लेवे के सोचे थे, चाहे कि ये गाँव के जमीन बहुत उपजाऊ बा, हम यहाँ एगो बहुत बड़ फार्म हाउस बनाए और ओमे तरह तरह के पौधा लगाए, काहे कि वो पौधा सब हमरा पढ़ाई में बहुत काम आई। पेड़ पौधा पढ़ाई में काम आई? अरे माँ जी हम पेड़ पौधा पर रिसर्च करत हैं, खोजबीन करत हैं कि कौन कौन पेड़ पौधा से का का फायदा हो सकेला। और वैसे भी हमार भैया अमेरिका गेल बारन, वो जैसे ही आ जाएंगे 20-30 लाख रुपया लेके एजा काम शुरू कर दे। 20-30 लाख का भइल माँ जी? कुछ नहीं बेटी, बस ऐसे ही। अरे ई का बेटी पूरा खाना काहे ना खा ली, हम बातचीत में नहीं पूछल यही से। अरे नहीं माँ जी पेट भर गई, आज बहुत थक गई है, गांव में पैदल चले के पड़ा ना, यही से दोनों पैर जाम हो गई बा। अरे तो इतना पैदल चले के का जरूरत रहल, लाई हम पैर दबा दे तुरंत आराम मिल जाए। अच्छा दबाई सुन ले रहनी है कि गाँव के लोग पैर हाँ दबा भी लेंगे बड़ा अच्छा से, ली दबा दी। क्या यार तुम यहाँ चिंतित बैठे हो और शालू वहां टेंशन में बैठी है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? तुम्हारा जन्मदिन ही तो मना रही थी बेचारी, मना लेते केक काट कर सबको खिला देते, खुद भी खाते उसको भी खिलाते, क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? कम से कम उस बेचारी को भूखे तो नहीं रहना पड़ता ना, और तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत तो नहीं रखना पड़ता ना। अब मुझ पे गुस्सा मत करो, सही कह रहा हूं मैं, इधर तुम नाराज बैठे हो और उधर शालू लंच नहीं कर रही है, भूखी बैठी है। हमने उसे बहुत मनाया पर कुछ बोल ही नहीं रही है। तो मैं क्या करूं? चलो समझाओ उसे, मनाओ, मनुहार करो उसकी, माफी मांगो उससे। नहीं तो पूरे ऑफिस में चर्चा का सिर्फ एक ही विषय होगा। शालू जी ने सम्राट जी के लिए उपवास रखा है, क्या यही चाहते हो तुम?
ठीक है भाई, मत सुनो। जब बात फैलेगी दूर तक जाएगी, समझ लेना। ठीक है भाई। ये क्या तमाशा बना रखा है तुमने? क्यों कर रही हो ये सब? भूखे रह के साबित क्या करना चाहती हो तुम? देखो, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। धर्मेंद्र, क्या शालू को भेजना? वो तो नहीं आएगी सर। नहीं आएगी? क्यों? सर, वो सम्राट से नाराज है। खाना भी नहीं खाया उसने। अरे ऐसा क्या हो गया? वो बड़े प्यार से इन जनाब के लिए केक लेकर आई थी, मगर ना इन्होंने खाया और ना ही किसी और को खाने दिया। केक? ये केक किस खुशी में भाई? सर, आज सम्राट का जन्मदिन है।